के वासियों को प्रशासन और पुलिस की तरफ से आश्वासन देना चाहूंगी कि हम लोग जो अभी घग्गर की फ्लो की स्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण अपनी आंख लगाए रखे हैं और जो भी सिचुएशन है उसको हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ भी हमारा समन्वय बैठा हुआ है। हर 3 घंटे पे जो पानी की स्थिति है वो हम रेगुलरली उनसे ले रहे हैं। जो इरिगेशन के अधिकारी हैं हमारे साथ के जिले के उनके साथ भी हम इन टच में हैं। अभी की स्थिति इस प्रकार है कि O2 में अपस्ट्रीम में 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है और डाउनस्ट्रीम में 17,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है जो हमारे जिले में आज शाम तक आने की संभावना है। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो हमारे डाउनस्ट्रीम के विलेजेस हैं उसके अंदर क्योंकि भाप क्षेत्र आगे के 2 दिन में बढ़ने की संभावना है और जिस प्रकार से फ्लड सिचुएशन नॉर्थ इंडिया में हम सब देख रहे हैं हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की भी आवश्यकता है। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्रशासन का सहयोग करें। जो बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों में से अगर आप सेफ जगह पे रीलोकेट कर सकते हैं तो आप करने का प्लीज़ प्रयास करें। अगर उसमें आपको हमारी तरफ से सहयोग चाहिए है तो हमारा सारा प्रशासन और टीम्स नीचे गांव लेवल तक वहां पे हैं, आप उनको बताएं। हमने रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपके जो मवेशी हैं जो लो स्ट्रीम में हैं उनको हमने ऑलरेडी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उसमें आपको अगर हमारा और सहयोग चाहिए तो हमने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है जिसका नंबर आप सब तक हमने पहुंचाया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोई सहयोग की अपेक्षा हो तो आप उससे हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अस्पताल हैं जो लो लाइंग एरिया में उसमें हमने पूरी दवाइयाँ और डॉक्टर्स वो वहाँ पे पहुँचा दिए हैं ताकि आने वाली स्थिति में अगर एक्स्ट्रा दवाइयों की आवश्यकता हो वो हम पहले से पूरी कर सकें। आप सबको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कल से हनुमानगढ़ टिब्बी और पीलीबंगा क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखे जा रहे हैं। ये सावधानी देखते हुए हम ये निर्णय ले रहे हैं और ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। आपसे एक बार मैं पुनः अपील करना चाहूँगी कि आगे वाले 3-4 दिन में घर से ना बाहर निकलें, अत्यंत आवश्यक हो तो ही आप बाहर निकलें और प्रशासन की तरफ से समय समय पर जो आपको सूचनाएं दी जा रही हैं उनको आप लगातार फॉलो करें और जो हमारी एडवाइजरी जारी की जा रही है वो भी आप फॉलो करें। थैंक यू। पानी की क्या स्थिति? जैसा कि आपको बताया है कि अभी 17,000 क्यूसेक पानी आने की आज शाम तक संभावना है और क्योंकि ऊपर 20,000 क्यूसेक अभी O2 में आ गया है और जो लगातार बढ़ रहा है तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो है जिले में 20,000 से ऊपर क्यूसेक पानी जो है रिलीज होगा। उनके डाइवर्जन को लेके क्या? नाली बेड में डाइवर्जन रहेगी और घग्गर डाइवर्जन कैनाल में डाइवर्जन रहेगी। इसके साथ साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम डाइवर्ट करके पानी IGNP में भी इस बार डालें तो इस तरीके से हमने अपना रेगुलेशन प्लान किया। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।